जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। एनकाउंटर राजपुरा इलाके में हुआ। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर इलाके में घेराबंदी की गई। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और एक दहशतगर्द मारा गया। कल पुंछ में भी एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। अशरफ पानी मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशरफ, इस एनकाउंटर से जुड़ी और क्या अहम जानकारी आपके पास? मलिका, ये इनकाउंटर रात में शुरू हुआ था जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि जमपथरी एक दूरदराज गांव है, पुलवामा जिले का राजपुरा इलाके में आता है, वहां पर जो है एक आतंकी छुपा हुआ है। उसके बाद सुरक्षा बलों ने साझा तौर पर, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के लोग शामिल थे, पूरे इलाके की घेराबंदी की और उस आतंकी को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने वहां से गोली चलाई जिसकी जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया है। शक जताया जा रहा है कि एक ही आतंकी यहाँ छुपा हुआ था जो इस मुठभेड़ में मारा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस पर लगातार जो है आतंकी हमले हो रहे हैं और उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनकी तरफ से इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं न सिर्फ सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है बल्कि साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का। और जिस अंदाज से लगातार, जैसे आपने कहा कि पिछले कई दिनों से लगातार जो है आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशनों में तेजी लाई गई है और पुलिस बस पर हमले के बाद ये तेजी जो है इसमें सुरक्षा बलों की तरफ से कोई कमी नहीं ला रही जा रही है और ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। और यही कारण है कि कल पुंछ में एक आतंकी मारा गया और आज जो है पुलवामा जिले के राजपुरा इलाके में ये दूसरा आतंकी मारा गया है। जी अशरफ, क्योंकि लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं कि आतंकी गतिविधियां इस इलाके में काफी बढ़ गई है। हालांकि ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ भी लगातार जारी है, लेकिन अभी आगे इस वक्त स्थिति आपको क्या दिख रही है वहां पर? दरअसल मलिका, जब सर्दियां शुरू होती है, पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होती है, तो उसके बाद जो है एक बदलाव जो जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों से देखा गया है और सालों से, वो यही है कि जो गर्मियों के दौरान जितने भी आतंकी जंगलों में छुपे रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में हाइड आउट्स बनाते हैं, उनको कहीं ना कहीं वहां से निकलना पड़ता है ठंड के कारण और बर्फबारी के कारण। वो रिहायशी इलाकों के बीच आते हैं और जिस अंदाज से खुफिया तंत्र काम कर रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों का, उनके पास सब गतिविधियों की जानकारियां मिलती हैं। मोबाइल जो मोबाइल ऑपरेटर्स हो या जो फिर मोबाइल फोन्स हो, उनको भी ट्रैक किया जाता है। तो इस कारण से जो है लगातार सुरक्षा बलों को सफलताएं मिल रही हैं। और हमने देखा है हर साल जो है दिसंबर जनवरी के महीने में इस तरह की मुठभेड़ें बढ़ जाती है और वजह ये होती है कि हाइडआउटों से और जंगलों से जो आतंकी छुपे रहते हैं गर्मियों के दौरान, वो रिहायशी इलाकों में आते हैं। जी शुक्रिया अशरफ, तमाम जरूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा।